हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं LIC पॉलिसी को सरेंडर या फिर लोन, इन दोनों ऑप्शंस के क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रखेंगे हम, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बेहद ज़्यादा दोस्तों इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो में आपकी पॉलिसी को लेके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं सरेंडर की। मान लीजिए आपके पास कोई भी LIC की कोई पॉलिसी है और आपको पैसों की पड़ती है ज़रूरत, तो आपके पास ऑप्शन है सरेंडर करने का। आप LIC की उस पॉलिसी को सरेंडर करके अपने जो पैसे हैं, जो आपके बनते होंगे सरेंडर वैल्यू के, वो दोस्तों ले सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप LIC की पॉलिसी को सरेंडर करने जाओगे या फिर किसी और भी, चाहे SBI लाइफ या कोई भी पॉलिसी हो आपकी, सरेंडर करने जाओगे तो आपको दोस्तों हमेशा उसमें नुकसान ही होगा। तो आपने दोस्तों प्रीमियम पे किए होंगे, जितना पैसा दिया होगा, आपकी सरेंडर वैल्यू हमेशा उससे कम ही बनेगी। बराबर भी कभी नहीं बन सकती और ज़्यादा तो कभी बन ही नहीं सकती। तो दोस्तों ऐसे में करना क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट तो पैसे की है, लेकिन अब सरेंडर भी ना करें, पैसे देखते रहें, लॉस देखते रहें, तो काम जो जिसके लिए ज़रूरत पड़ी है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले बात करें सरेंडर की। सरेंडर करने जाओगे तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा उससे कम या फिर हो सकता है बेहद ज़्यादा कम वैल्यू भी आपको देखने को मिले। तो इस केस में दोस्तों सरेंडर करने पे पॉलिसी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होने वाला है, और अच्छा खासा लॉस। ठीक है, इसके दोस्तों पैरेलल में एक चीज़ आती है LIC की सभी पॉलिसीज में आपको देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉलिसीज में, कि आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, ठीक है, अब आप उस पॉलिसी को सरेंडर ना करके अगर उसी पॉलिसी पे लोन लेने चले जाएं, तो जो आपकी सरेंडर वैल्यू बनती होगी उस टाइम पे पॉलिसी की, उस सरेंडर वैल्यू का ऑलमोस्ट 90% तक LIC आपको लोन दे देता है। मान लीजिए आपकी सरेंडर वैल्यू बन रही है 1,00,000 रुपये, तो जो LIC है वो कहेगा आपको कि अगर आप चाहें तो सरेंडर करने की जगह आप उस सरेंडर वैल्यू का 90% हमसे लोन ले लीजिए और अपनी पॉलिसी को चलने दीजिए। इसमें दोस्तों आपका क्या फ़ायदा है? एक तो जो आपको एक बड़ा लॉस होने वाला है सरेंडर का, वो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर आपको 1,00,000 की ज़रूरत है, आपको 90,000 रुपये मिल रहे हैं, तो भी फ़ायदा 10,000 का जुगाड़ आप कहीं ना कहीं से कर लोगे, बल्कि 10% का जुगाड़ तो आप कर ही सकते हो। इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी और आगे के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे। लेकिन काफ़ी सारे हमारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप सरेंडर करने का लॉस तो देख रहे हो, लेकिन जब आप लोन लोगे तो उसमें इंटरेस्ट भी तो लेगी LIC। बिल्कुल लेगी दोस्तों आपसे इंटरेस्ट, लेकिन दोस्तों अगर आप लोन के इंटरेस्ट को और सरेंडर वैल्यू को कंपेयर करने जाओगे तो इसमें दोस्तों आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लोन में आपको इंटरेस्ट तो लगेगा, आपको लोन रीपे करोगे तो इंटरेस्ट तो दोगे, लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्ट ऊपर मिलने वाली आपकी सरेंडर वैल्यू के लॉस से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक दोस्तों, तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी, अगर आप कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो LIC की पॉलिसी को सरेंडर करने से अच्छा है कि आप उस पर लोन लेने की तरफ जाएं। ठीक दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।